मध्य प्रदेश में बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने न्यूज स्टेट से बातचीत में कहा कि ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, इसलिए बिजली चली जाती है। सरकार कोयले के संकट से उबरने की पूरी कोशिश कर रही है। लोड जो पहले मांग थी 9-10 हजार मेगावाट, आज हो रही है 12 हजार मेगावाट। 2 हजार मेगावाट का जो अंतर आया है, जिसको हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में हो रहे बिजली कटौती को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में चक्का जाम कर दिया गया। दरअसल जिले में लगातार बिजली कटौती से लोगों का हाल बेहाल है। इसी के चलते परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 1 घंटे तक सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित भी हुआ, जिसके बाद बिजली विभाग प्रबंधन ने 1 सप्ताह में सुधार किए जाने का लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर प्रदर्शनकारी वहाँ से हटे। बिजली कटौती के विरोध में हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया और इस धरना प्रदर्शन में चक्का जाम किया, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे विधानसभा परासी में लगातार निरंतर जो शेड्यूल था कि 10 घंटे बिजली देंगे किसानों को, 24 घंटा गांव में देंगे, पूरी तरह से बिजली कटौती हो रही थी, किसी प्रकार की बिजली नहीं मिल पा रही थी। तो इसके विरोध में आज हमने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से विरोध यहाँ पर किया, चक्का जाम किया, धरना प्रदर्शन किया। और आज हमें विद्युत विभाग के द्वारा इस बात को लिखित में दिया कि जो कटौती हो रही थी, जो कि लगातार कटौती हो रही थी, उस कटौती को बंद किया जाएगा, लिखित में हमें दिया है। और जो शेड्यूल जो पहले से था, उस शेड्यूल के अनुसार में बिजली सभी पूरे प्रांत विधानसभा के आधार में प्रदान की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए उन्हें लिखित आश्वासन प्रदान किए गए कि आने वाले समय में निर्धारित अवधि के अनुसार ही लोड शेडिंग और अन्य चीजें होंगी और जो बंद पड़े ट्रांसफार्मर है लाइन मेंटेनेंस का कार्य शीघ्र करा लिया जाएगा। यह आश्वासन विद्युत विभाग के अधिकारी को दिया गया है एवं जनप्रतिनिधि से संतुष्ट है कि आने वाले समय में इसका पूर्ण पालन करते हुए जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले और विद्युत की कटौती न हो।